हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको 13 से 16 हजार के रेंज में एक तगड़ा मोबाइल चाहिए काफी तगड़ा ऑफर्स के साथ, सो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ रियलमी 9 स्पीड एडिशन और रियलमी 9 एमुलेट स्क्रीन वाले दो मोबाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ। और ये मोबाइल आपको फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिलेगा सेल में। सो इस सेल में आपको, जो कि फ्लिपकार्ट एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, वो 11 से 17 जून तक वो सेल चलने वाला है, और उसी सेल में आपको ये दोनों मोबाइल पे काफी तगड़े ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 5 और 4 हजार का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। सो इन्हीं दोनों मोबाइल के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, क्या ऑफर्स आप लगाओगे आपको ये आराम से सेल में देखने के लिए मिल जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भाई की चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको बताऊंगा रियलमी 9 स्पीड एडिशन मोबाइल के बारे में। ये मोबाइल आपको फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा सेल में, और एक्सिस बैंक का आपके पास कार्ड रहेगा तो आपको 2000 का ऑफ देखने के लिए मिलेगा उस पे। अदरवाइज आपके पास नहीं है तो आप प्रीपेड भी यूज कर सकते हो, अगर किसी भी बैंक से आप प्रीपेड यूज कर सकते हो। 16 से 17 बैंक होते हैं, जैसे कि आप उन्हीं में से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हो, आपको 2000 प्रीपेड ऑफ करने पे मिल जाएगा। सो आपको टोटल 4000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों बैंकों से आपको, अगर दोनों कार्ड है तो आपको 2000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 4000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। और 20000 का मोबाइल आप परचेस कर सकते हो 15,999 में, जो कि 16000 में ये मोबाइल परचेस कर सकते हो। 6128 वाला वेरियंट आपको देखने के लिए मिलता है इसमें। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलता है, जो कि 30000 के रेंज में ये चिपसेट आता है, लेकिन आपको 16000 में देखने के लिए मिल जा रहा है। तो गेमिंग के लिए इंडिया में इससे बेटर मोबाइल इस प्राइस रेंज में अभी तो 2 साल तक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसमें आपको कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, 48+2+2 कैमरा सेटअप है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलेगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 6.6 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर। सो 16000 में मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड करूंगा इस मोबाइल, और इस चिपसेट और इस डिस्प्ले का स्क्रीन आपको कभी भी नहीं मिलेगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, कभी कहीं ना कहीं 2 साल तक। सो इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। 20000 का मोबाइल आपको 16000 में मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें जो चिपसेट देखने के लिए मिलता है वो टॉप क्लास एंड एक्सलेंट चिपसेट है। सो इस प्राइस रेंज के साथ इस मोबाइल को परफेक्ट परचेस कर सकते हो बिना कोई डाउट के। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, ये है रियलमी 9 सुपर एमुलेट वाला, जो कि इसमें आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलता है। 18000 का मोबाइल था, 18000 में लॉन्च हुआ था, और इसमें आपको 4000 का भी ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। एक्सिस का कार्ड यूज करोगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, आपको 2000 का ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। और कोई भी बैंक से आप प्रीपेड यूज करोगे तो उसमें भी आपको 2000 देखने के लिए मिल जाएगा ऑफ। टोटल आपको 4000 ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा, और 18000 का मोबाइल आप 14000 में परचेस कर सकते हो डेफिनेटली। 13999 में इस मोबाइल को आप परफेक्ट परचेस कर सकते हो, इसमें भी आपको काफी अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। 6128 वाला आपको वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाले चिपसेट देखने के लिए मिलता है। चिपसेट काफी अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और इसमें कैमरा सेटअप टॉप क्लास देखने के लिए मिलता है। 108+8+2 कैमरा सेटअप है, बैक साइड में आपको टॉप क्लास कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। 6.4 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर। सो इसमें भी आपको टॉप क्लास के स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका प्राइस 16000 है तो आप रियलमी 9 स्पीड एडिशन को डेफिनेटली ले सकते हो। अगर आपके पास प्राइस नहीं है, अंडर 15000 है, तो रियलमी 9 सुपर एमोलेड पैनल वाला ले सकते हो। इसमें आपको कैमरा, डिस्प्ले और चिपसेट भी अच्छे ही देखने के लिए मिलता है। सो आप दोनों में से आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना चाहिए, मैं आपको बता दिया। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और इंडिया में कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है, सबसे पहले आपको रिव्यू बता देता हूँ। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भाई की चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर लेना, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।